1452 में पैदा हुए लियोनार्डो दा विंची को दुनिया के बेस्ट पॉलीमैथ में गिना जाता है। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पॉलीमैथ वर्ड ही आज पहली बार सुना होगा। जिनके लिए यह वर्ड नया है उन्हें मैं बता दूं कि पॉलीमैथ उस इंसान को कहा जाता है जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अच्छा नॉलेज होता है। लियोनार्डो दा विंची एक इंजीनियर, एक राइटर, एक म्यूजिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, पॉलिटिकल एडवाइजर, आर्टिस्ट, बॉटनिस्ट और सिविल प्लानर के रूप में काम कर चुके थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर, बाइसिकल और टैंक जैसे ना जाने कितने ही महान इन्वेंशंस के कॉन्सेप्ट को इन सब चीजों के इन्वेंशन से पहले ही दुनिया के सामने पेश कर दिया था। अब तक तो आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि लियोनार्डो दा विंची वर्ल्ड के जीनियस व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो 70 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो आखिर उन्होंने महज 70 साल में इतनी सारी अचीवमेंट्स कैसे हासिल की, ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो लियोनार्डो के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है। दुनिया के जाने माने राइटर वाल्टर आइज़ैक्सन ने लियोनार्डो दा विंची नाम से एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश की कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो कि लियोनार्डो को सबसे अलग बनाती थी। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि लियोनार्डो एक अमीर फैमिली से रहे होंगे जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में इतना अचीव करने में हेल्प मिली होगी, लेकिन लोगों की ये धारणा बिल्कुल गलत है क्योंकि लियोनार्डो एक गरीब परिवार से थे। और तो और उनका परिवार इतना गरीब था कि लियोनार्डो की स्कूल की फीस पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और शायद यही वजह थी कि जिसकी वजह से लियोनार्डो की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। लियोनार्डो की कोशिश रहती थी कि उनके सामने जो भी चीजें हो रही हैं वो उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, और इसलिए वो तरह तरह के सवाल अपने माइंड में क्रिएट करते थे और उनके जवाब ढूंढते थे। बाद में उन्होंने एक सब्जेक्ट के नॉलेज को किसी और सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके कई रिवॉल्यूशनरी चीजों को दुनिया के सामने पेश किया, और शायद उनका चीजों को देखने का और उनको एनालाइज करने का तरीका ही उनको दुनिया का सबसे जीनियस इंसान बनाता है। आइए देखते हैं कि लियोनार्डो की वो कौन सी आदतें हैं जो आपको भी जीनियस बना सकती हैं। नंबर वन, जितना ज्यादा हो सके उतने सवाल करिए, क्योंकि सवाल करने से ही आपकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी। जो चीज लियोनार्डो दा विंची को दुनिया में सबसे अलग करती थी वो ये थी कि वो हर चीज को लेकर काफी क्यूरियस रहते थे। उनको हर चीज के होने ना होने के पीछे की वजह जाननी होती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उनकी क्यूरियोसिटी का कारण ये नहीं था कि उन्हें लगता था कि चीजों के बारे में जान लेने से उनको आसानी से जॉब मिल जाएगी, बल्कि वो बस चीजों को समझना चाहते थे कि आखिर उनके होने या फिर ना होने के पीछे कारण क्या है। अपनी पूरी लाइफ के दौरान लियोनार्डो अपने पास दर्जनों नोटबुक्स रखते थे जिसमें वो अपने इंस्टेंट थॉट्स लिखते थे। हम लोगों का लक अच्छा है कि आज भी लियोनार्डो द्वारा लिखी गई उन नोटबुक्स के लगभग 7000 पेजेस सही सलामत हैं। उनके लिखे हुए थॉट्स को पढ़कर यह आसानी से समझा जा सकता है कि लियोनार्डो हर उस चीज में इंटरेस्ट रखते थे जो उनके सामने घट रही होती थी। जैसे कि आखिर आसमान नीला क्यों, आखिर क्यों मछलियां पानी में ज्यादा स्पीड से स्विम करती हैं जबकि बर्ड्स उनके कंपैरिजन में कम स्पीड से उड़ते हैं, आखिर क्यों जब बिजली कड़कती है तो हमें दिखाई पहले देती है उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है, आखिर कैसे पक्षी खुद को इतनी देर तक हवा में रख लेते हैं। ऐसे सवाल हम लोगों के भी दिमाग में आते हैं, लेकिन तब जब हम छोटे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम उन सभी चीजों से अपना ध्यान हटा देते हैं जो कि हमारे आंखों के सामने रोज होती हैं। लेकिन लियोनार्डो के साथ ऐसा नहीं था। वो जब तक किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज हासिल नहीं कर लेते थे तब तक उसके बारे में सोचना बंद नहीं करते थे, और उनके इसी माइंडसेट की वजह से वो दुनिया से अलग थे। हम लोग बड़े हो जाने के बाद आसमान की ओर देखकर उसकी खूबसूरती के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये सोचना बंद कर देते हैं कि आखिर उसका कलर नीला क्यों है। लियोनार्डो के साथ ये नहीं था। वो यूनिवर्स के हर चीज के बारे में जानकारी रखना चाहते थे और इसी वजह से वो स्पेशल थे। नंबर टू, सिर्फ सवालों पर रुको मत, उनके आंसर जानने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लियोनार्डो हर चीज को लेकर काफी क्यूरियस रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर उनके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो वो उसे लेकर बैठे रहें। वो हर तरीके से ये कोशिश करते थे कि उनके दिमाग में आने वाले सवाल का एक्यूरेट जवाब उन्हें मिल सके। अगर किसी सवाल का जवाब उन्हें मालूम नहीं होता था तो उसका आंसर पता करना उनके लिए ऑब्सेशन बन जाता था। जैसे कि जब उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर पक्षी उड़ते कैसे, तो वो एक शॉप पर गए और वहां से उन्होंने पिंजरा खरीदा, उसमें कुछ पक्षी कैद किए, और घर जाकर उन्होंने उस पिंजरे से पक्षियों को आजाद कर दिया ये देखने के लिए कि आखिर वो उड़ते कैसे हैं। एक बार उनके मन में ह्यूमन बॉडी को लेकर कोई सवाल आया तो उन्होंने उसका आंसर जानने के लिए कुछ डेड बॉडीज को चीर फाड़ करना शुरू कर दिया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी लियोनार्डो की तरह डेड बॉडीज के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दो। ये समझाने का इतना सा मतलब है कि अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में जानकारी हासिल करो, क्यूरियस बनो। आप सभी लैपटॉप यूज करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि लैपटॉप में आखिर F3 और F4 जैसे बटन्स क्यों हैं? क्योंकि उनके बिना तो काम चल सकता है। अगर हम सभी की जगह लियोनार्डो होते तो उनके दिमाग में यह सवाल जरूर आता। ऐसी क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप ट्रेवल करते हो तो बहुत सी जगह पर स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर होती है और कहीं कहीं 25 किलोमीटर, आखिर ऐसा क्यों होता है?
कोशिश कर रही है लियोनार्डो की तरह बनने की, उनकी तरह अपनी क्यूरियोसिटी इंक्रीज करने की, और उनकी ही तरह सिर्फ सवालों पर रुको मत बल्कि उनका जवाब जानने की भी कोशिश में लगे रहो। इससे ना सिर्फ आप सक्सेसफुल बनोगे बल्कि आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन भी मिलेगा। नंबर 3, अलग अलग तरह की नॉलेज को कनेक्ट करके कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करो। लियोनार्डो ने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी थी, वो ये कि उन्हें लगता था कि नॉलेज को कभी भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैथ्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स। उनका मानना था कि नॉलेज को सिर्फ नॉलेज की तरह देखना चाहिए, और उनके इसी सोच की वजह से वो एक तरह के नॉलेज को दूसरे तरह के नॉलेज के साथ कंबाइन कर पाते थे और कुछ नया डेवलप कर पाते थे। एक बार की बात है, लियोनार्डो ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्योमेट्री के नॉलेज को एनाटॉमी में यूज कर सकते हैं, और इसी तरह उन्होंने ज्योमेट्री और एनाटॉमी के नॉलेज को कंबाइन करके ये डिस्कवर किया कि ह्यूमन बॉडी में भी कुछ ज्योमेट्री प्रोपोर्शन मिलते हैं। एग्जांपल के लिए उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब भी कोई इंसान अपने दोनों हाथों को पूरी तरह स्ट्रेच कर लेता है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक की लेंथ को अगर मेजर करें तो वह लेंथ उस इंसान की हाइट के बराबर होती है। लियोनार्डो को नेचर से बहुत लगाव था। एक बार उनके दिमाग में यह सवाल उठा कि आखिर पक्षी उड़ते कैसे, और उनके दिमाग में आए इस सवाल ने उनको कई नई नई तरह की चीजों को डिस्कवर करने में हेल्प की। लियोनार्डो ने पक्षियों के उड़ने की कला पर बहुत कुछ लिखा, और उन्होंने पक्षियों को एक नाम भी दिया, द फ्लाइंग मशीन। उन्होंने नेचर और इंजीनियरिंग के नॉलेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके ये डिस्कवर किया कि आखिर किस तरह से पक्षी जब हवा के अगेंस्ट उड़ते हैं तो अपने आप को बैलेंस करते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज करके पक्षियों के उड़ने वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बिल्कुल इसी तरह लियोनार्डो ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज को कंबाइन करके नई नई चीजें डेवलप की। उन्होंने कभी सब्जेक्ट्स को अलग नहीं समझा। उनका मानना था कि सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड होते हैं, और उनकी यही सोच उन्हें स्पेशल बनाती है। आज के टाइम में हम लोगों को लगता है कि हम दुनिया के बारे में काफी चीजें जानते हैं और उन्हें समझते हैं, लेकिन हमारा यही माइंडसेट हमारे लिए डेंजरस होता जा रहा है, क्योंकि इस माइंडसेट की वजह से हम सभी के अंदर नई चीजें सीखने की चाह भी खत्म हो गई है, और इसकी वजह से हम सभी लिमिटेड लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई नई चीज सीखेंगे ही नहीं तो ग्रो कैसे होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सभी इस माइंडसेट को ड्रॉप करें और क्यूरियस बने, क्योंकि जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तभी हम नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, और नई चीजें सीखने और जानने से ही हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हम क्यूरियस होते हैं तो लाइफ हमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। हर चीज हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, हम चीजों को एंजॉय करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पूरी लाइफ के दौरान किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्यूरियोसिटी आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर बना सकती है, क्यूरियोसिटी आपके डर को भी भगा सकती है, और कई जगहें ऐसी भी होती हैं, कई मौके ऐसे भी होते हैं जहां आपको क्यूरियस नहीं होना चाहिए। तो कहां पर क्यूरियस होना चाहिए, कहां पर क्यूरियस नहीं होना चाहिए, और क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती है, ये जानने के लिए आपको ये बुक ऐप पर अ क्यूरियस माइंड बुक की समरीज जरूर सुननी चाहिए। ये मेरी फेवरेट बुक समरीज में से एक है, और ये बुक ऐप पर फ्री में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ऐसे सोचते थे लियोनार्डो दा विंची। कोशिश करिए आप भी उनकी तरह सोच सकते हो, आप भी उनकी तरह क्यूरियस बन सकते हो, आप भी उनकी तरह जवाब हासिल कर सकते हो। जरूरत है नॉलेज की, तो नॉलेज हासिल करते रहो। इसीलिए मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड दैट्स हाउ यू कैन ग्रो इन लाइफ। आप पढ़ोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो ग्रो करोगे। वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके दिमाग में कौन से यूनिक सवाल आते हैं आपके आसपास की चीजों को देखकर, क्या आप भी क्यूरियस हो। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। Finally, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.